लखनऊ विश्वविद्यालय से एक बड़ी खबर आ रही है। स्नातक पाँचवें सेमेस्टर की छात्रा आशिका गुप्ता, जो कि गर्ल्स हॉस्टल तिलक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, वो आज शाम 4 बजे के पहले सुसाइड कर ली है। काफ़ी देर उनका पता नहीं चला है, तो छात्र गई हैं, देखी हैं खिड़की से, तो नज़र आया है कि वो फंदे से लटकी हुई थी। और विश्वविद्यालय प्रशासन और हॉस्टल प्रशासन बता रहा है, वहाँ पे DSW मैम अवेलेबल थी, वहाँ पे लखनऊ प्रशासन अवेलेबल था, तो उनके द्वारा जो जानकारी मिली है वो जानकारी सिर्फ इतनी मिल पाई है कि उनका कैमरा ऑन था, लाइव थी वो शायद कहीं पे, या फिर कैमरा ऑन था, लेकिन अभी कोई मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाया है। लाइव का मेन वजह क्या है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और जब डेड बॉडी निकाली जा रही थी काफ़ी देर बाद, करीब 7 बजे करीब शाम को जब डेड बॉडी निकाली जा रही थी, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने एम्बुलेंस घेर लिया है। एम्बुलेंस घेरने का वजह ये था कि उनको कुछ पता नहीं था कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उनको नहीं थी, तो उनका जानना, ये जानना जरूरी भी था और उनका मांग था कि मुझे पता चले, हम लोगों को पता चले कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ ये घटना, इसके जिम्मेदार कौन है और कैसे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचना चाह रहे हैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन पहले एक गाइडलाइन जारी किया हुआ था, जहाँ पर ये था कि उस तिलक गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियाँ कहीं भी फोटोज़ नहीं अपलोड कर सकेंगी, इस तरह के कुछ गाइडलाइंस थे, जो कि DSW मैम ने कहे कि जैसे ही मुझे इसकी सूचना मिली मैंने इसको तुरंत उस पर एक्शन लिया और उसको ख़त्म किया। और छात्रों का कहना है कि इस तरह की शिकायतें इस हॉस्टल से या फिर अन्य भी हॉस्टल से मिल रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है और कौन इसकी जवाबदेही तय करेगा। भाई मोबाइल चालू कर लो भाई, थोड़ा मोबाइल चालू कर लो, जवाब दे हम लोग सर सीधी जानकारी सबसे पहली चीज तो यहाँ की जो प्रपोज्ड है भुवनेश्वरी भारद्वाज, आप बतौर भुवनेश्वरी भारद्वाज को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी, शिशु कम है, शिशु स्टूडेंट कि क्या कारण, क्या कारण, क्या कारण विद्यालय प्रशासन अभी तो 2 घंटे में यहाँ पे पूरी एक चली है फोरेंसिक और तमाम चीजें, उससे कॉज ऑफ डेथ क्या पता चला? तो PM होगा तो ना पता चलेगा बेटा, वही क्लियर, इसीलिए तो फोरेंसिक क्लियर, अभी तक क्या जानकारी है वो तो हमें पता चले कि क्या कारण है। 3 घंटे में आपने क्या अरे जाने दो यार, अभी कोई अरे जो भी जवाब देना है दीदी साहब लेंगे, जाने दो, सही कह रहे हो, मैडम आइए, आगे आगे मैडम नहीं जाएंगे,
जवाब लेंगे पता नहीं बात चल रही है लोगों के पास एक लंबे समय से लेकिन आलोक की बार बार हमने कंप्लेन किया कि यहाँ के अंदर का जो माहौल छात्राओं का जो कंप्लेन है कि अंदर का जो माहौल है उसे वो